जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर पायलट बाबा की लंबी बीमारी के बाद मुंबई में मंगलवार को निधन हो गया। हमेशा से विवादों में रहने वाले पायलट बाबा को हरिद्वार में समाधि दी जाएगी। इनके निधन पर देश विदेश में स्थित उनकी सभी आश्रमों में शोक की लहर दौड़ गई। वहीं जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी महाराज ने जूना अखाड़े की सभी शाखाओं, आश्रमों और पीठों में 3 दिन का शोक घोषित करके साथ शांति पाठ करने के निर्देश दिए। पायलट बाबा 86 की उम्र की पूरी कर चुके थे और पायलट के बचपन के नाम कपिल सिंह। बचपन से ही वो आक्रामक थे, साथ ही मेधावी भी थे, इसलिए एयरफोर्स में पायलट बने और जल्द ही प्रमोशन पाकर विंग कमांडर के पद तक पहुंच गए। अपने सेवा काल में पायलट बाबा ने पहले भारत चीन की लड़ाई में हिस्सा लिया और फिर 2 बार भारत पाक युद्ध में भी शामिल हुए और अपनी बहादुरी का लोहा मनवा दिया। इसके लिए उन्हें सम्मानित भी किया गया और 1971 में हुए भारत पाक युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना हुई कि विंग कमांडर कपिल सिंह का संसार से मोह भंग हो गया और उन्होंने संन्यास लेने का फैसला ले लिया। दरअसल युद्ध के दौरान उनके विमान MiG-21 में कोई तकनीकी खामी आ गई। विंग कमांडर कपिल सिंह ने लगा कि अब उनकी ज़िंदगी पूरी हो चुकी है। उन्होंने अपने गुरु को याद किया। वो एक किताब में लिखते थे कि उन्हें गुरु तुरंत कॉकपिट में आ गए और सुरक्षित लैंडिंग में उनकी मदद की। इससे कपिल सिंह को वैराग्य आने लगा और युद्ध खत्म होते ही उन्होंने VRS अप्लाई कर दिया। रिटायरमेंट लेकर वो साल 1974 में विधिवत दीक्षा ली और जूना अखाड़े में शामिल होकर सन्यासी बन गए। सन्यासी अखाड़े में उन्हें साल 1998 में महामंडलेश्वर का पद मिला और फिर साल 2010 में उन्हें उज्जैन के प्राचीन जूना अखाड़ा शिवगिरी आश्रम नीलकंठ मंदिर के पीठाधीश्वर नियुक्त कर दिया गया। बिहार के रोहतास जिले से सासाराम रहने वाले एक राजपूत परिवार में पैदा हुए कपिल सिंह की शिक्षा दीक्षा BHU से हुई। यहाँ पढ़ाई के दौरान उनका चयन एयरफोर्स में पायलट अफसर के रूप में हो गया। सेना से रिटायर होने के बाद वैराग्य की ओर बढ़ गए कपिल ने कुछ दिन बॉलीवुड में भी रहे। उन्होंने एक फूल दो माली जैसी सफल फिल्मों की। इसके बाद वो पूरी तरह से वैरागी बन गए। आध्यात्मिक जीवन अपनाने के बाद प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने दीक्षा दी। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई देश के बड़ी हस्तियां बाबा के सामने शीश झुकाती थीं। जूना अखाड़ा के संरक्षक श्री महंत गिरी महाराज के मुताबिक बाबा की इच्छा थी कि उनकी समाधि हरिद्वार में हो, इसलिए आज बाबा को उनकी मंशा के मुताबिक समाधि दी जाएगी। अगर बात विवादों की जाए तो पायलट बाबा का विवादों से गहरा नाता था। सेना में नौकरी के दौरान उनके ऊपर मनमानी के भी आरोप लगे। वो सन्यासी बनने के बाद पहला विवाद कुंभ मेले के भक्तों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने के आरोप लगे। ये मामला साल 2010 का है जब कुंभ था। 14 अप्रैल को शाही स्नान के बाद जब पायलट बाबा का काफिला निकला तो कई लोग वाहनों से कुचल गए। वहीं कई लोग जान बचाने के लिए नदी में कूद के बह गए। इस संबंध में उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया। इसी प्रकार हाथरस में भी उनके चरण लेने के लिए भगदड़ मची। फिर नैनीताल में जमीन कब्जाने पर मुकदमा दर्ज किया गया। इस मामले में वो जेल भी गए। ये नहीं, बाबा का एक स्टिंग ऑपरेशन भी हुआ था जिसमें वो काले धन को सफ़ेद कर रहे थे। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।